नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के रतिया इलाके में पुलिस ने एक ठग टेरर को गिरफ्तार किया। बड़ी फिल्मी हस्तियों और बड़े बड़े अधिकारियों के साथ सेल्फी दिखाकर बनाता था लोगों को ठगी का शिकार। बड़े लोगों के साथ रिश्तों की धौंस दिखाकर कई लोगों को ऐंठे लाखों रुपए। तत्कालीन डीजीपी BS संधू भी साथ में करवा चुके हैं सेल्फी। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश भी। टेलर की गिरफ्तारी के बाद ठगी के शिकार कई लोग भी सामने आने लगे हैं। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। फतेहाबाद के रतिया इलाके में पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जिसने बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ यानी बड़े बड़े अधिकारियों के साथ और यहां तक कि पुलिस के कप्तान और DGP के साथ भी सेल्फी खिंचवा रखी है और इन्हीं सेल्फियों को दिखाकर वह लोगों को ठगी का शिकार बनाता है। पुलिस ने आज ठग टेलर महेंद्र पाल को कोर्ट में पेश किया। महेंद्र पाल कपड़े सिलने के बहाने फिल्मी हस्तियों और बड़े अधिकारियों के संपर्क में आता है, उसके साथ सेल्फी लेता है। महेंद्र पाल ने रतिया के इलाके में कई लोगों से लाखों रुपए लेने हैं, लेकिन जब भी लोग पैसे मांगने के लिए जाते हैं तो वह बड़े अधिकारियों के साथ संबंधों का हवाला दे करके महेंद्र पाल उन्हें डरा देता है। महेंद्र पाल ने तत्कालीन DGP BS संधू, बॉलीवुड फिल्म स्टार सनी देओल, महेंद्र धर्मेंद्र और गुरदास मान सभी के साथ अलग अलग सेल्फी भी खिंचवा रखी है। इन्हीं सेल्फियों के सहारे महेंद्र पाल ने कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया। अब महेंद्र पाल की गिरफ्तारी के बाद कई अन्य लोग भी सामने आने लगे हैं जो कि पहले ठगी का शिकार हो चुके हैं। मामले की जानकारी देते हुए DSP धर्मवीर पुनिया ने बताया कि पुलिस ने महेंद्र पाल नाम के एक टेलर को गिरफ्तार किया है जो बड़े लोगों से अपने संबंधों का हवाला देकर लोगों को ठगता था और लोग जब पैसे वापस मांगने के लिए आते तो उन्हें SC एक्ट का हवाला देता और मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी भी देता। इतना ही नहीं, महेंद्र पाल इससे पहले कई लोगों पर SC एक्ट लगवा चुका है, लेकिन सभी मामले जांच के बाद झूठे पाए जाने के बाद खारिज हो गए। लेकिन अब महेंद्र पाल को गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश किया गया है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से आप भी सावधान रहें। ज़्यादातर जो दिखता है वो होता नहीं, खासकर किसी से व्यवहार बढ़ाने के लिए, पैसे देने के लिए। ऐसे लोगों की जांच परख जरूर कर लेनी चाहिए जो आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाना जानते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें, सचेत रहें। आप देख रहे हैं पलपल की एक खास रिपोर्ट। रतिया का एक टेलर है जो पाल टेलर के नाम से रतिया में अपनी दुकान करता था और यह लोगों के कपड़े सिलने का काम करता था। और यह जो बड़े अधिकारी हैं और जो पंजाबी सिंगर हैं और फिल्मी जो सितारे हैं उनके साथ फोटो कराकर लोगों को दोस्त दिखाता था कि मेरे इससे संबंध है, फिर लोगों से पैसे ऐंठ लेता था। मेरे से भी एक बार ये 25,000 रुपये लेके गया, लेकिन लगभग 1.5 साल बीत जाने के बाद इसने पैसे नहीं लौटाए हैं। तो सुनने में आया ये काफ़ी लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुका है और बीती रात पुलिस को इसने गिरफ्तार किया है और इसके जो लेनदार हैं वो काफ़ी अभी सामने आ रहे हैं। तो जब पैसे लेने जाते हैं लोग क्या दोस्त दिखाता था ये पैसे, जिससे एक बार लेने के बाद जब पैसा दोबारा मांगता था वापस, तो जो SC ST एक्ट है इसका डर दिखाकर लोगों को डराता था, धमकाता था। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे देकर इसको भूल भी गए, क्योंकि लोग इस कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए इसकी ठगी का शिकार। तो ये बॉलीवुड एक्टर और बड़े अधिकारी संपर्क में कैसे आया? ये सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, अपनी फेसबुक प्रोफाइल है उस पर सोशल मीडिया पर ना ये DGP पूर्व DGP BS संधू उनके फ़ोटो, सनी देओल जो एक्टर हैं फिल्मी सितारा उनके फ़ोटो और काफ़ी जो बड़ी हस्तियां हैं गुरदास मान साहब हैं जो पंजाबी सिंगर हैं उनके साथ फ़ोटो डालता था और लोगों को प्रभावित करता था कि मेरे इसके साथ संबंध है और मैं आपकी इससे मुलाकात करवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो करूंगा। तो इस तरह ये इसका ड्रामा चल रहा था। तो पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया? हाँ, पुलिस ने अभी गिरफ्तार करके इसको कोर्ट में पेश किया है और इसको जेल। क्या पूरा मामला है जी, एक युवक को गिरफ्तार किया, किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है, क्या पूरा मामला है? ये जो अरविंद सनोप मांगेराम है, रतिया का रहने वाला है और इसके व्हाइट हाउस के नाम से रतिया शहर में दुकान है, तो इसने कल कंप्लेंट दी है पाल टेलर के खिलाफ। महेंद्र पाल एलियस पाल टेलर है जिसकी रतिया में टेलरिंग की दुकान है।
तो अरविंद ने जो आरोप लगाया अभी मेरी जो कपड़े की दुकान है उसे कपड़े लेके जाता था और कह देता भी सिलाई करने के बाद मैं पैसे वापस दे दूँगा, लेकिन इसके चप में 40,000 के आसपास जो है देनदारी बका दी। उसके बाद जो है ना ये कल परसों 15 तारीख को 15 से 2019 को करीब 8 बजे शाम को इसकी दुकान पे कपड़ों की दुकान पे गया पार्टनर और धमकी देने लगा भी मेरे खिलाफ जो है आपने कंप्लेंट की हुई गाड़ी ग्लोव और मार पिटाई वगैरह करने लगा, तो उसको लेकर उसकी कंप्लेंट पर जो है कल मुकदमा दर्ज किया था और आज उसको पेश किया। तो पहले भी इसके खिलाफ ऐसा कोई मामला है जिस तरह से आला अधिकारियों के कपड़े वगैरह सिलने का झांसा देकर उनके साथ फोटो खिंचवाता था, उसके बाद जिनसे इसने देनदारी करनी है उसको ब्लैकमेल करता था कि अभी अगर मेरे से पैसे मांगे तो मैं तेरे पे मुकदमा दर्ज करा दूंगा? हाँ, ऐसे भी पीछे मामले 4-5 महीने पहले भी यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ था। एक भूपेंद्र सिंह जो टीचर है गुरेरा का रहने वाला और बादलगढ़ में अभी भी टीचर है, इससे अपनी सिस्टर की बीमारी के लिए मतलब 10,000 रुपये उसने लिए थे और जब बार बार पैसे मांगने 1,000 रुपये उसने लिए थे और जब बार बार पैसे मांगने के बाद या तो वहाँ SC ST एक्ट का भी लोग दिखाता भी SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करवा दूंगा और मेरी ऊपर तक जान पहचान है, तो इस टाइप के मुकदमे दर्ज करवा के वो पैसे बेचता रहा। तो ये बताते हैं कि बड़े बड़े एक्टरों के साथ भी इसके कोई ऐसे इस तरह के संबंध है पुलिस के अधिकारियों के साथ? आपने देखा फेसबुक पर है जो नामी गिरामी जो एक्ट्रेस वगैरह है या कोई ऑफिसर वगैरह है उनके साथ भी फेसबुक वगैरह फोटो दिखाता है, उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं और प्रभावित होने के बाद उसको पैसे वगैरह दे देते हैं। जब पैसे वो मांगने के लिए जाते हैं तो उस टाइम ये गाड़ी क्लोज कर देता है और SC ST एक्ट वगैरह के मुकदमे में पहले भी दर्ज करवाई है जो कैंसिल लगभग कैंसिल हो चुके हैं। तो फिलहाल क्या कार्रवाई की है पुलिस ने इस पर? फिलहाल केस दर्ज करके इसको आज पेश अदालत किया है माननीय अदालत 31 में।